नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MD शेयर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इंग्लिश के पिछले वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का लास्ट वीडियो देखे थे और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग वर्ब फॉर्म को और क्लियर करने के लिए, वर्ब में कहीं मिस्टेक ना हो इसके लिए, इसी के साथ हम लोग नरेशन पढ़ लेंगे, मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन मुझे लगा कि एक चीज मिसिंग है, वो करने के बाद नरेशन किया जाए, और वो ये था कि एक बार कंपैरेटिव स्टडी कर लिया जाए टेंस के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनका। कंपैरेटिव स्टडी का मेरा मतलब जो है, आई मीन टू से कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का एक साथ एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, उसका प्रेजेंट में ये है, पास्ट में कहाँ बदलाव हो रही है, फ्यूचर में कहाँ बदलाव हो रहा है, एक बार बोर्ड पर देख लीजिए। हालांकि मैंने बता ही दिया है जब जब मैंने पढ़ाया है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि और क्लैरिफाई करने के लिए एक बार कंपैरेटिव स्टडी करके टेंस के जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनको देख लिया जाए। बहुत कम समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसके बाद हम लोग नरेशन पढ़ेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ, पिछले वीडियो के लास्ट में मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा था और उसी टाइम में मोबाइल बंद हो गया था, तो वो आप देखे होंगे अधूरा छोड़ गया था। तो दो सेंटेंस पहले बता दूं कि कौन से सेंटेंसेस मैं लिख रहा था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये दो सेंटेंस ये थे, मैं नोट करके लाया हूं क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं है, उस समय जो मन में आया वो बोल दिए। तो आई शैल नॉट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग क्वेश्चन टैग का सेकेंड स्ट्रक्चर, मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर के साथ क्वेश्चन टैग कैसे जुड़ता है उसका एग्जाम्पल देख रहे थे। तो यहाँ पर सेंटेंसेस हमने दो लिखा था और इस सेंटेंस को लिखते के समय में ही मोबाइल बंद हो गया था और मैंने इसका ना मीनिंग बताया था और मैं ये सेंटेंस पूरा कर पाया था, इसलिए इस अधूरेपन को पहले खत्म किया जाए। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर मोर देन 2 months बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, शैल आई। मैंने कहा था ना कि जब फर्स्ट पर्सन हो तो शैल ही लगाए, विल नहीं लगाए, तो इसलिए मैंने शैल आई ही लिखा है। तो इसका मीनिंग ये है, आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग हियर फॉर मोर देन 2 months बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, शैल आई। इस साल के अंत तक मैं यहां 2 महीने से ज्यादा समय तक, समय के लिए काम नहीं कर रहा होगा ना, नहीं कर रहा होगा ना, ये है। इंडियन प्लेयर्स वोंट हैव बीन प्लेइंग इन इंग्लैंड फॉर 2 weeks बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, विल दे। इंडियन प्लेयर्स के लिए दे लग गया, अप्रोप्रिएट प्रोनाउन फॉर सब्जेक्ट इन नॉमिनेटिव केस, मीन्स सब्जेक्ट वाले फॉर्म में। तो इंडियन प्लेयर्स वोंट हैव बीन प्लेइंग इन इंग्लैंड फॉर 2 weeks बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, विल दे। भारतीय खिलाड़ी इस महीने के अंत तक इंग्लैंड में 2 सप्ताह से अधिक समय से नहीं खेल रहे होंगे ना। तो इस तरीके से पिछले वीडियो के लास्ट में मैं बताना चाह रहा था कुछ सेंटेंसेस लिख करके, एग्जांपल दे करके, जो मिसिंग था उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया था, मैंने सोचा पहले उसे पूरा कर दिया जाए, ठीक ना। इस प्रकार हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सारा स्ट्रक्चर देख लिए और यूज के बारे में मैंने बता दिया कि सिंगल यूज है, ज्यादा यूज होता नहीं है, तो यूज भी नहीं देखना है। और वहीं पर हम लोगों का टाइम एंड टेंस का नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉर्मल वे ऑफ लर्निंग जो होता है लर्नर्स के लिए, बिगनर्स के लिए कंप्लीट होता है, ताकि आपको वर्ब फॉर्म डिसाइड करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना। अब हम लोग एक बार कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस कर लेते हैं। एक स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, उसका प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में सामने सामने देखिएगा तो कुछ ज्यादा ही, मतलब विजुअल होगा और ज्यादा इफेक्टिव होगा मुझे लगता है, इसलिए मैंने नरेशन के पहले एक बार इसको दिखाना चाहा। तो आइए देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, इसको मिटाते हैं।
सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, ऐसे नहीं करते हैं, सिंपल क्यों लिखते हैं देखिएगा। सिंपल और सिंपल में क्या अफर्मेटिव, ठीक ना। तो अब प्रेजेंट में पास्ट में और फ्यूचर में, तीनों में देखते हैं क्या फर्क होता है। सिंपल प्रेजेंट में दो स्ट्रक्चर मिलता है जनरली, एक तो सब्जेक्ट, उसके बाद इस एम आर, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जो। इसमें क्या होता है पास्ट में कि सब्जेक्ट के बाद इस एस एम आर के बदले में वास या वर का प्रयोग हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। और इसमें जो होता है सब्जेक्ट के बाद एस एम आर के बदले में फ्यूचर में शैल विल रहेगा, ये मैं बता चुका हूं। तो शैल या विल में से कोई एक ले लेंगे, और उसके बाद इस एस एम आर के बदले में बी होता है, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। ओरली मैं बता दे रहा हूं कुछ एग्जांपल्स, जैसे आई एम अ डॉक्टर, एम हो गया, आई वॉज ए डॉक्टर, आई शैल बी ए डॉक्टर या आई विल बी ए डॉक्टर, इस हो जाएगा। इसके लिए देखा जाए ही इज अ टीचर, तो ही वॉज अ टीचर, ही विल बी ए टीचर। आप देखा जाए they are players, they were players, they will be players, ये चेंजिंग होगा। और दूसरा डायरेक्ट दिखता है सब्जेक्ट के बाद वी वन या वी फाइव, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। यहां दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद वी टू, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। और यहां दूसरा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, उसके बाद वी वन, और सब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। जैसे आई राइट अ लेटर, सिंपल एग्जांपल, आई राइट अ लेटर, यहां हो जाएगा आई रोट अ लेटर, राइट रोट रिटन, यहां हो जाएगा आई शैल राइट अ लेटर। इस तरीके से हम लोग सिंपल प्रेजेंट, सिंपल के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि प्रेजेंट में क्या होता है, पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, क्या क्या चेंजिंग आते हैं, ये देख रहे हैं। आगे चलते हैं निगेटिव की तरफ, मिटाते हैं इसको। इसको मिटाने से मेरे ख्याल से फायदा है नहीं, ये रहने देते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, निगेटिव सिंपल में। निगेटिव में क्या होता है दो स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद is not, is am, are के बाद not लग जाता है, तब object या complement, तब full stop। यहां पर क्या हो जाता है subject के बाद was, were में not लग जाता है, उसके बाद object या complement। यहां पर क्या होता है subject के बाद shall, will
के बाद नॉट लग जाता है, तब बी लगता है, तब ऑब्जेक्ट है कंप्लीट। एग्जाम्पल के लिए, आई एम नॉट अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, आई शैल नॉट बी अ टीचर, ऐसे हो जाएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट के बाद डू या डज का प्रयोग होता है, उसके बाद नॉट का, उसके बाद वीवन का, उसके बाद कंप्लीट का। यहां पर पास्ट में क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद डिड लगता है, इसके बाद नॉट लगता है, तब वीवन, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीट। यहां पर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल के बाद नॉट लग जाता है, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। जैसे आई डू नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, आई शैल नॉट गो देयर, इस तरीके से इसमें निगेटिव में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हम लोग कंपेयर करके स्टडी कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, है ना। आगे बढ़ते हैं, बता रहे हैं, यहां पर आप क्वेश्चन में आ जाएंगे। यस नो क्वेश्चन, यहां पर डू नहीं, दोनों सेक्शन लिखते हैं। पहला सेक्शन इज एम या आर का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद क्वेश्चन। यहां पर वाज या वर का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन। यहां पर शैल या विल का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, तब ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। जैसे हम एग्जांपल ऑलरेडी दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं, आप वीडियो में सुन के पॉज करके लिखिएगा। इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, या शी, जो भी था, इज ही अ डॉक्टर, वाज ही अ डॉक्टर, विल ही बी अ डॉक्टर, इस तरीके से हम लोग बदलाव करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर, हम लोग डू या डज को पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन, तब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पर क्या करते हैं कि डिड को पहले करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन, तब ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या करते हैं, शैल या विल को पहले रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वी वन, तब ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट, तब क्वेश्चन मार्क, है ना। Does she love you? क्या वो तुमको प्यार करती है? Did she love you? क्या वो तुमको प्यार करती थी? Will she love you? क्या वो तुमको प्यार करेगी? इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन का पैटर्न तीनों ही टेंस में देख रहे हैं, सिंपल में, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी। मेरे ख्याल से ये ज्यादा क्लेरिफाई करेगा आपके कंसेप्ट को। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम कर देते हैं WH क्वेश्चन और ये सब हटा देते हैं। पहला
डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज या वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, why is he a doctor? वह डॉक्टर क्यों है? Why was he a doctor? वह डॉक्टर क्यों था? Why will he be a doctor? वह डॉक्टर क्यों होगा? इस तरीके से कह सकते हैं, ये हो गया। दूसरा, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डैश प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पर डब्ल्यू एच वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। व्हाट डू यू ईट? व्हाट डू यू ईट? व्हाट डिड ही ईट? तुम क्या खाते हो? तुम क्या खाते थे? What will you eat? तुम क्या खाओगे? ठीक ना? Where does she go? Where did she go? Where will she go? वह कहाँ जाती है? वह कहाँ जाती थी? वह कहाँ जाएगी? इस तरीके से WH क्वेश्चन में सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर में बदलाव ऐसे होता है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। यस नो क्वेश्चन के साथ नेगेटिव प्रेजेंट में पहला स्ट्रक्चर इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। यहाँ कॉम्प्लीमेंट ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। उसको ऑब्जेक्ट के रूप में आप देख सकते हैं, लेकिन होता वो कॉम्प्लीमेंट ही है। यहाँ पर वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। इज ही नॉट अ टीचर? इज ही नॉट अ टीचर?
वाज ही नॉट अ टीचर, विल ही नॉट बी अ टीचर, क्या वो डॉक्टर नहीं है, क्या वो डॉक्टर नहीं था, क्या वो डॉक्टर नहीं होगा, इस तरीके से। दूसरा स्ट्रक्चर, डू या एक चीज आप जानते हैं कि इज नॉट को आप इजेंट कर सकते हैं, एम नॉट और आर नॉट को आरंट करिएगा, एमेंट मत करिएगा, मैं बता चुका हूं तो वो सब चीजें नहीं बता रहा हूं, बस एक बार कंपैरेटिवली एक साथ लिख के दिखा दे रहा हूं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर और क्लैरिफाई हो जाए और क्लियर हो जाए उसके लिए, क्लैरिफाई करने के लिए। तो डू या डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहां पर डिड पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब वी वन, तब ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहां पर शैल या विल पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, तब वी वन, तब ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट। एक एक उदाहरण, डज सी नॉट लाइक यू, डिड सी नॉट लाइक यू, विल सी नॉट लाइक यू, क्या वो तुम्हें प्यार नहीं करती है, लाइक नहीं, पसंद नहीं करती है, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करती थी, क्या वह तुम्हें पसंद नहीं करेगी, इस तरीके से हम लोग यस नो क्वेश्चन के साथ निगेटिव जोड़ करके तीनों ही टेंस में कंपैरेटिवली देख लेंगे कहां कहां बदलाव होता है। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ निगेटिव, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस एच एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस was word plus subject plus not plus object or complement, sorry, the bluish word plus shall will plus subject plus not plus be plus object or complement then question mark। एक एक sentence देखते हैं। Why is he not a father? Why is he not a father? Why was he not a father? Why will he not be a father? कुछ भी कर सकते हैं। Why are they not players? Why were they not players? Why will they not be players? वे लोग क्यों खिलाड़ी नहीं हैं? वे लोग क्यों खिलाड़ी नहीं थे? वे लोग क्यों खिलाड़ी नहीं होंगे? इस तरीके के स्ट्रक्चर्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ निगेटिव में हम लोग ले लेते हैं। दूसरा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट
प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट डब्ल्यू एस वर्ग प्लस डीट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट डब्ल्यू एस वर्ग प्लस सैलियाबल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट। ये वी वन और वी फाइव में से ही तो है, मैं दिखा चुका हूं बी का फॉर्म, इसलिए केवल अभी यहां देख लीजिए। वाई डू यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते हो। वाई डिड यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते थे। वाई विल यू नॉट गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाओगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ निगेटिव, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। आगे बढ़ते हैं, पैसिव सेक्शन, ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में, इसके बाद इज एम आर, उसके बाद वी थ्री। उसके बाद अदर वर्ड्स जो लिखना है, यहां पर ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में यहां वाज या वर में से कोई, उसके बाद वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स, ओडब्ल्यू मतलब अदर वर्ड्स। यहां पर ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में प्लस सेल विल, यहां पहले से होगा प्लस बी रहेगा प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड्स। देख लेते हैं, यू आर टॉट इंग्लिश, आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। यू वर टॉट इंग्लिश, आपको या तुम्हें, तुम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। यू विल बी टॉट इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी, आप लोगों को, आपको अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। इस तरीके से हो जाएगा पैसिव में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग, चलिए इसमें पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस डोंट या डजंट। यहां दो स्ट्रक्चर होगा, देखिएगा isn't या aren't plus appears by nc in nominative case plus question mark, और दूसरा
अफर्मेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस डोंट या डजंट प्लस APS by NC plus question mark. यहाँ पर affirmative structure plus comma plus wasn't या weren't plus APS by NC, ये तो कई बार आप देख चुके हैं. दूसरा affirmative structure plus comma plus didn't plus APS by NC plus question mark. यहाँ affirmative structure plus comma plus sent या won't plus APS by NC plus question mark. दूसरा भी वही होता है. एग्जाम्पल लेते हैं ओरली. ही इज अ डॉक्टर एजेंट ही वॉज अ डॉक्टर वॉजेंट ही विल बी अ डॉक्टर वोंट ही. यहां पर He eats a mango, doesn't he? He ate a mango, didn't he? He will eat a mango, won't he? इस तरीके से. और इसी के साथ हम लोग नेगेटिव वाला भी ले लें जस्ट एक मिनट में. होगा यहां पहला नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस इज एम. यहां एम हो जाएगा नेगेटिव, वहां एमेंट नहीं था केवल इज एंड आर एंड था. यहां इज एम हो जाएगा आर प्लस APS by NC प्लस क्वेश्चन मार्क. यहां पर नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस वाज या वर प्लस APS by NC प्लस क्वेश्चन मार्क. यहां पर नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस शैल या विल प्लस APS by NC प्लस क्वेश्चन मार्क. उदाहरण लेते हैं. ही इज नॉट अ टीचर इज ही. कैसे माई मदर लेते हैं. माई मदर इज नॉट अ टीचर इज सी. माई मदर वॉज नॉट अ टीचर वॉज सी. माई मदर विल नॉट बी अ टीचर won't see. दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा प्लस don't या doesn't प्लस APS by NC प्लस क्वेश्चन मार्क. नेगेटिव स्ट्रक्चर प्लस कॉमा
सॉरी यहाँ डॉन डजेंट नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव हो गया, डू या डज केवल लगेगा, मिस्टेक हो रहा था। डू या डज यहाँ डिड प्लस एपीएस बाई एनसी प्लस क्वेश्चन मार्क यहाँ पर सेम रहेगा। आई डोंट गो देयर डू आई या इसे लगाते हैं माई फादर डजेंट गो देयर डज ही, माई फादर डिडंट गो देयर डिड ही, माई फादर विल नॉट गो देयर वॉन्ट ही। इस प्रकार से हम लोग सिंपल में सारे स्ट्रक्चर्स देख लिए, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यूअस में इसी तरीके से देख लेंगे और फिर हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ के जब ये कंपैरेटिव स्टडी ओवर हो जाएगा तब हम नरेशन देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।